गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हम जॉन लॉक के बारे में पढ़ रहे थे कि लॉक किस प्रकार से अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत को वह मानवीय पक्ष के अच्छे स्वभाव के आधार पर उसको प्रतिपादित करता है और ये बताता है कि मानव स्वभाव जो है उसमें अच्छाई और सद्गुण अर्थात वह नैतिकता से युक्त है। उसके बाद प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताया, उसमें प्राकृतिक अवस्था किस प्रकार से शांति सद्भाव पारस्परिक सहयोग से परिपूर्ण थी, जिसमें व्यक्ति को तीन प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति, और इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए वह समझौता करता है और समझौते से जो है राज्य का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से कल हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में कि किस प्रकार जो लॉक है, लॉक अपने समझौते के द्वारा दो प्रकार के समझौते की बात करता है। पहला समझौता जो सामाजिक समझौता है, जिस जो व्यक्तियों के मध्य होता है, जिससे समाज का अर्थात राज्य का निर्माण होता है, और दूसरा समझौता जो होता है वो राजनीतिक समझौता है, जिससे शासन का अर्थात सरकार का उदय होता है। तो देखिए इस प्रकार लॉक का जो समझौता है वो दो प्रकार का है, पहला समझौता सामाजिक है और दूसरा उसका समझौता राजनीतिक है। पहले समझौते से समाज अथवा राज्य का जन्म होता है और दूसरे से सरकार अर्थात शासन का उदय होता है। तो इस प्रकार से लॉक दो समझौते की बात करता है, जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में डायग्राम के द्वारा बोर्ड के समझाया था चार्ट पे किस तरह से लॉक जो है दो प्रकार के समझौते की बात करता है। तो इस प्रकार लॉक का समझौता जो पहला समझौता है वह समुदाय के बीच होता है, दूसरा समझौता शासन विषयक समझौता है जो व्यक्तियों और शासन करने वालों के बीच होता है। तो इस प्रकार से लॉक दो प्रकार के समझौते की बात करता है और इस प्रकार से उसका सामाजिक समझौता जो है वो सीमित और मर्यादित शासन की बात करता है, जो कि हमने देखा कि हॉब्स के चिंतन में निरंकुश राजतंत्र, हमने देखा किस प्रकार से हॉब्स निरंकुश राजतंत्र को स्थापित करता है और उसके विपरीत लॉक का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वह सीमित और मर्यादित शासन की बात करता है। तो देखिए इस प्रकार लॉक का जो सिद्धांत है वह व्यक्तिवादी और उदारवादी चिंतन पर आधारित है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लॉक को उदारवाद का जनक कहते हैं, क्योंकि उसके चिंतन में हमें उदारवादी विचारधाराओं की सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो देखिए इस प्रकार जॉन लॉक जो है व्यक्ति को एक अधिकार और देता है, वो है विद्रोह करने का अधिकार। तो देखिए लॉक विद्रोह करने का अधिकार व्यक्ति को देता है कि यदि शासन जो कि जन सहमति पर आधारित है, जन कल्याण पर आधारित है, उसका प्रमुख कार्य क्या है, उसका प्रमुख कार्य है जन कल्याण के कार्य करना और वह जन सहमति पर आधारित है। यदि लॉक का जो सरकार है वह ऐसे कार्य करती है जो कि जनकल्याण पर आधारित नहीं हो, अर्थात जो लोगों की इच्छा के विपरीत कार्य करती है और सरकार की स्थापना प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए हुई है, और यदि वह प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं करती है तो व्यक्ति को विद्रोह करने का अधिकार है, अर्थात जो
राज्य है वो राज्य एक ट्रस्ट की तरह है, राज्य एक ट्रस्ट की तरह है। पिछली कक्षा में भी ये शब्द आया था ट्रस्ट, इसको अभी मैं स्पष्ट करता हूं क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ट्रस्ट क्या है। पिछली कक्षा में ट्रस्ट शब्द मैंने बोला था, तो इसको क्लियरिफाई करने के लिए मैंने टॉपिक आपका लिया है विद्रोह करने का अधिकार। इसमें ट्रस्ट शब्द जो है आपका पूरी तरह से स्पष्ट होगा कि ट्रस्ट क्या है। तो देखिए, राज्य जो है वह एक ट्रस्ट की तरह है और इसका प्रमुख कार्य क्या है, जन कल्याण के कार्य जो है जन कल्याण पर आधारित और प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना। जैसा कि आपको पता है, लॉक ने तीन प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। तीन व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं और इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्ति राज्य अथवा ट्रस्ट को क्या करता है, वह इस ट्रस्ट का निर्माण करता है। और यदि ये ट्रस्ट व्यक्ति के कल्याणकारी कार्य नहीं करता और प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा नहीं करता, तो व्यक्ति को विद्रोह करने का अधिकार है और नई सरकार चुनने का अधिकार है। अर्थात यदि ट्रस्ट जन कल्याण के कार्य नहीं करता, प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा नहीं करता, तो व्यक्ति को ट्रस्ट से मुक्ति पाने का अधिकार है। वह ट्रस्ट के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है और विद्रोह करके एक नई सरकार को चुन सकता है। तो इस प्रकार से जो पहले से चुनी हुई सरकार है वो सरकार को पदच्युत कर देगा, अर्थात वो सरकार भंग हो जाएगी, सरकार बर्खास्त हो जाएगी और नई सरकार चुनी जाएगी। तो इस प्रकार से राज्य एक ट्रस्ट की भांति है और उसमें प्रमुख कार्य जन कल्याण पर आधारित है, प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा करना है। यदि ये कार्य प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा यदि ट्रस्ट नहीं करता है तो व्यक्ति को विद्रोह करने का अधिकार है और व्यक्ति क्या करेगा, नई सरकार को चुनेगा। जो वर्तमान में सरकार वो सरकार अपदस्थ हो जाएगी, बर्खास्त हो जाएगी, उसके स्थान पर नई सरकार क्या होगी, चुनी जाएगी। तो इस प्रकार से लॉक नई सरकार की बात करता है कि राज्य एक ट्रस्ट की तरह है और व्यक्ति यदि उसके प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा नहीं उसे प्राप्त नहीं होती तो इस ट्रस्ट को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है और नई सरकार चुन सकता है। तो देखिए, इस प्रकार लॉक जो है, लॉक के समझौते की एक और हमने विशेषता पाई थी कि लॉक दो समझौते की बात करता है। तो देखिए, हम उस चीज को भी देखते हैं। देखिए, लॉक दो समझौते की बात करता है, लॉक दो समझौते की बात करता है, एक से समाज बनता है और दूसरे से सरकार। तो ये कहता है कि सरकार के भंग होने के बाद में, अर्थात सरकार भंग हो जाती है तो समाज क्या है, समाज बना रहता है। तो समाज की प्रमुखता, समाज की प्रमुखता अर्थात सर्वोच्चता सर्वोच्चता को सरकार पर
आरोपित करता है, अर्थात लॉक दो समझौते की बात करता है और दो समझौते में यदि दूसरे पहले समझौते से समाज का निर्माण होता है, दूसरे से सरकार का जो कि शासन विषयक समझौता है, जो व्यक्ति समुदाय और शासन करने वाले व्यक्तियों के बीच होता है, यदि समाज सरकार भंग हो जाती है, सरकार भंग हो गई तो समाज क्या है, समाज बना रहता है। तो लॉक इस बात को कहता है पहले समझौते से समाज का निर्माण हुआ, दूसरे समझौते से सरकार का निर्माण हुआ, तो यदि सरकार भंग होती है, विद्रोह होता है, तो उसके बाद में समाज बना रहता है, अर्थात समाज बना रहेगा, सरकार भंग हो जाएगी। इस प्रकार से सरकार के ऊपर लॉक समाज की प्रमुखता अर्थात सर्वोच्चता को आरोपित करता है, सरकार के ऊपर समाज की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। इस प्रकार से लॉक का ये विद्रोह करने का जो अधिकार है वह व्यक्ति को प्राप्त है, और यदि व्यक्ति के तीन प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा या जन कल्याण के कार्य सरकार नहीं करती तो सरकार भंग हो जाएगी, और भंग होने के बाद में समाज बना रहेगा। तो इस प्रकार से सरकार के ऊपर क्या है, समाज, अर्थात समाज की सर्वोच्चता को स्थापित करने की बात लॉक कहता है। इस प्रकार से लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है जो सरकार के कार्य और सरकार के विभिन्न कार्यों के आधार पर शक्ति विभाजन को स्थापित करता है। कल बताया था आपको कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों अलग अलग कार्य करें, लेकिन वो कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के अधीन ही रहने की बात करता है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अधीन ही रहकर कार्य करें, वो कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता को आरोपित करता है, अर्थात व्यवस्थापिका जो है वह सर्वोच्च है और उसे प्रमुख कार्य करने का अधिकार है। इस प्रकार से कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अधीन रहकर कार्य करती है लॉक के अनुसार। देखिए इस प्रकार लॉक विद्रोह करने का अधिकार देता है। इसके बाद हम देखते हैं लॉक के चिंतन में व्यक्तिवादी विचारधारा। लॉक के चिंतन में व्यक्तिवादी विचारधारा का समावेश किस प्रकार से है, अर्थात वह व्यक्तिवादी विचारक क्यों है। देखिए लॉक के चिंतन में व्यक्तिवाद अगला टॉपिक है आपका। ये लॉक के चिंतन में व्यक्तिवाद, अर्थात लॉक को व्यक्तिवादी विचारक हम क्यों कहते हैं, क्योंकि लॉक के चिंतन में व्यक्ति सर्व प्रमुख है। लॉक के चिंतन में व्यक्ति सर्व प्रमुख है। लॉक व्यक्ति से ही शुरू करता है और अपने चिंतन को व्यक्ति पर ही लाकर उसका एंड करता है, अर्थात लॉक के चिंतन में व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से मुखरित हुआ हमें दिखाई देता है। कि लॉक व्यक्ति की बात करता है कि व्यक्ति क्या है, सर्वोपरि है, व्यक्ति साध्य है और राज्य क्या है, साध्य है, अर्थात लॉक ये कहता है कि व्यक्ति के कल्याण के लिए राज्य बना हुआ है, राज्य का प्रयोजन यही है कि जन कल्याण के कार्य करना, और यदि राज्य जन कल्याण के कार्य नहीं करता तो क्या होता है, व्यक्ति सरकार को भंग कर सकता है और दूसरी सरकार की स्थापना कर सकता है। इस प्रकार से लॉक के चिंतन में हमें व्यक्ति सर्व प्रमुख दिखाई देता है, इसलिए लॉक को हम व्यक्तिवादी विचारक भी कहते हैं। अगला है लॉक व्यक्ति के लिए
तीन प्राकृतिक अधिकारों की लॉक व्यक्ति के लिए तीन प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है। जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। तो देखिए, लॉक के चिंतन में हमें व्यक्ति के लिए तीन अधिकार दिखाई देते हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। इस प्रकार से लॉक व्यक्ति के तीन प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, जो कि व्यक्तिवाद के प्रमुख मांग है, क्योंकि व्यक्तिवादी अवधारणा व्यक्ति के कर्तव्यों की अपेक्षा उसके प्राकृतिक अधिकारों की मांग करती है कि व्यक्ति के कर्तव्य हो चाहे ऐसे नहीं हो, लेकिन उसके जो अधिकार हैं वो अधिकार जरूर होने चाहिए। इस प्रकार से लॉक भी तीन प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। अगला पॉइंट देखिए आप, लॉक प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए, लॉक प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए समझौता करता है। और लॉक प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए समझौता करता है और इनके हनन होने पर सरकार को भंग करने की बात करता है। अर्थात यदि प्राकृतिक अधिकार सुरक्षित नहीं है तो व्यक्ति सरकार को हटा सकता है। तो इस प्रकार से लॉक प्राकृतिक अधिकारों को सर्वोपरि मानता है और उनकी सुरक्षा के लिए समझौते की बात करता है, और यदि सरकार इन समझौतों का अतिक्रमण करती है, इनकी सुरक्षा नहीं करती है, तो सरकार क्या हो सकती है, भंग हो सकती है। तो देखिए, इस प्रकार से लॉक व्यक्ति को अगला देखिए, लॉक व्यक्ति को विद्रोह करने का अधिकार लॉक व्यक्ति को विद्रोह करने का अधिकार देता है। अर्थात यदि प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो पाती और प्राकृतिक अधिकार की सुरक्षा सर्वोपरि है, क्योंकि प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन व्यक्तिवाद भी करता है, लॉक भी व्यक्तिवादी विचारक है, इसलिए व्यक्तिवादी अवधारणा के कारण, क्योंकि वो इसका समर्थन करता है और प्राकृतिक अधिकारों को सर्वोपरि मानता है, इसलिए यदि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार की सुरक्षा नहीं होती तो व्यक्ति क्या कर सकता है, विद्रोह कर सकता है और नई सरकार को चुन सकता है। अगला देखिए, सीमित व मर्यादित शासन की स्थापना पर बल, सीमित व मर्यादित शासन की स्थापना पर बल देता है। अर्थात शासन की स्वेच्छाचारिता, शासन की मनमानी
पर वह अंकुश नियंत्रित स्थापित करता है कि शासन अनियंत्रित नहीं हो, शासन निरंकुश नहीं हो, शासन की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए वह सरकार को भंग करने की बात करता है। इस प्रकार से वह सीमित व मर्यादित शासन की बात करता है जो कि व्यक्तिवादी अवधारणा के बिल्कुल करीब है। फिर देखिए सीमित व मर्यादित शासन की स्थापना पर बल लॉक देता है और व्यक्ति को विद्रोह करने का अधिकार भी देता है इस प्रकार से। और वह शासन का जो आधार, शासन का आधार जन सहमति, शासन का आधार जन सहमति को मानता है, वो भी क्या है, व्यक्तिवादी अवधारणा का ही विचार है कि शासन क्या हो, व्यक्ति के कल्याण के लिए हो और शासन का आधार जन सहमति अर्थात लोगों ने मिलकर अपनी सहमति से शासन को स्थापित किया है और इस प्रकार शासन का आधार क्या है, जन सहमति। इस प्रकार से लॉक के चिंतन में हमें व्यक्तिवाद की स्पष्ट छाप दिखाई देती है कि लॉक वास्तव में एक व्यक्तिवादी विचारक है और उसके इन विचारों के कारण हम, क्योंकि उसके चिंतन में, उसका चिंतन शुरू व्यक्ति से ही होता है और उसके चिंतन का अंत भी व्यक्ति के साथ ही होता है। तो इस प्रकार से लॉक को हम एक व्यक्तिवादी विचारक कहते हैं क्योंकि इसके उसके चिंतन में हमें व्यक्तिवाद की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो इस प्रकार लॉक को एक व्यक्तिवादी विचारक कहना गलत नहीं है और वास्तव में उसके चिंतन में हमें शुरू से लेकर अंत तक व्यक्ति का कल्याण, व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा, व्यक्ति ही व्यक्ति उसके चिंतन में हमें शुरू से लेकर अंत तक दिखाई देता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लॉक के चिंतन में हमें व्यक्तिवाद की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। फिर देखिए अगला जो टॉपिक है आपका वो यह है कि लॉक को उदारवाद का जनक अथवा उदारवाद की आत्मा कहना कहां तक सही है। देखिए आपका प्रश्न आता कई बार लॉक उदारवाद का जनक अथवा उदारवाद की आत्मा, देखिए लॉक के चिंतन में हमें उदारवादी तत्वों का समावेश स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है क्योंकि लॉक अपने चिंतन को उदारवादी दर्शन के आधार पर ही उसे प्रस्तुत करता है और उदारवादी विचारधारा को आगे बढ़ाता है क्योंकि उदारवादी विचारधारा को उसने अपने चिंतन का मुख्य आधार बनाया है और उसी आधार पर उसने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, चाहे से हम उसके मानव स्वभाव को देखें या हम उसकी प्राकृतिक अवस्था को देखें या हम लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के बारे में हम बात करें या फिर उसका जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है हम उसको देखें, तो हम पाएंगे कि लॉक के चिंतन में हमें उदारवादी तत्व जो है वो प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं और उसने उदारवादी दर्शन के आधार पर ही अपने चिंतन को, अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। तो देखिए लॉक जो है उदारवाद की तरह ही लॉक भी मानव को एक विवेकशील प्राणी, एक विवेकशील प्राणी मानता है। जिस प्रकार से
उदारवाद मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी, एक बुद्धिशील प्राणी मानता है और उसमें बुद्धि का प्रमुख रूप से वह आधार मानता है। इसी प्रकार से लॉक भी मानव को एक विवेकशील प्राणी मानता है, जिस तरह से उदारवाद भी इस बारे में बताता है, क्योंकि लॉक मानव स्वभाव को मानता है, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, उसी कारण से मनुष्य जो है शांति प्रिय, न्याय प्रिय और सद्गुणों से युक्त उसका मानव स्वभाव है। अगला है, देखिए लॉक भी स्वतंत्रता को प्रमुख रूप से स्थान देता है। लॉक अपने चिंतन में स्वतंत्रता को प्रमुख रूप से स्थान देता है और उदारवाद भी स्वतंत्रता को अपने चिंतन का, उदारवादी चिंतन का प्रमुख आधार स्तंभ स्वतंत्रता को मानता है। तो देखिए लॉक भी एक उदारवादी विचारक है और उदारवादी अवधारणा की तरह ही लॉक के चिंतन में भी स्वतंत्रता जो है प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलती है कि लॉक जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति तीन प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, इसलिए लॉक उदारवाद का जनक है। अगला है, लॉक तीन प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है। उदारवादी चिंतन भी अधिकारों की बात की जाती है इसमें, कि अधिकार जो है व्यक्ति को प्रमुख रूप से दिए जाए, उसी प्रकार से लॉक के चिंतन में भी हमें प्राकृतिक अधिकारों का समावेश देखने को मिलता है कि लॉक भी तीन प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है। अगला है, अनुबंध की स्वतंत्रता, उदारवाद अनुबंध की स्वतंत्रता पर प्रमुख अपना ध्यान देता है, उसी प्रकार से लॉक भी अनुबंध की स्वतंत्रता की बात करता है कि लॉक ये कहता है कि व्यक्ति को समझौता करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से है और यदि यह समझौता व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं करता तो व्यक्ति को उस समझौते को क्या करना है, उस समझौते का उसे विद्रोह करने का अधिकार है, अर्थात वो समझौते को तोड़ सकता है और समझौते और विद्रोह के अधिकार के कारण सरकार को भंग कर सकता है और नई सरकार को निर्वाचित कर सकता है। इस प्रकार से अनुबंध की स्वतंत्रता की बात भी जो है वो उदारवाद की तरह ही हमें लॉक के चिंतन में देखने को मिलती है। अगला देखिए, अगला है जन सहमति पर आधारित शासन, लॉक शासन का आधार जन सहमति को मानता है और उदारवाद भी जन सहमति पर आधारित शासन की बात करता है कि शासन जन सहमति पर आधारित हो, व्यक्ति के कल्याण के लिए शासन बना है और उसमें लोक कल्याण प्रमुख रूप से हो। इस प्रकार से शासन का आधार क्या है, जन सहमति है, जो कि उदारवाद से मेल खाता है। अगला है, सीमित व मर्यादित शासन, तो देखिए उदारवाद निरंकुश शासन की बात नहीं करता है, सीमित और मर्यादित शासन की बात करता है, जो कि लॉक भी यही बात करता है कि शासन का स्वरूप कैसा हो,
सीमित और मर्यादित हो, क्योंकि लॉक जो है निरंकुश शासन के स्थान पर ऐसी सरकार की स्थापना करना चाहता है जो सीमित हो, मर्यादित हो, अर्थात वह निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर सीमित और मर्यादित शासन की स्थापना पर बल देता है। इस प्रकार से हम लॉक के चिंतन में सभी उदारवादी तत्वों का समावेश देखते हैं कि लॉक के चिंतन में हमें सभी उदारवादी जो विशेषताएं देखने को मिलती हैं, इस प्रकार से लॉक के चिंतन में हमें उदारवादी तत्व जो है प्रमुख रूप से स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इस प्रकार से हम लॉक को उदारवाद का जनक अथवा उदारवाद की आत्मा कहते हैं। इस प्रकार से लॉक के चिंतन में जहां हमें व्यक्तिवाद की स्पष्ट छाप दिखाई देती है, उसी प्रकार से उसके चिंतन में हमें उदारवादी तत्वों का समावेश भी प्रमुख रूप से दिखाई देता है। तो इसलिए क्योंकि लॉक उदारवादी विचारधारा को इसने आगे बढ़ाया है और अपने विचारों का प्रमुख आधार, अपने सिद्धांतों को उसने उदारवादी विशेषताओं के आधार पर अर्थात उदारवादी तत्वों के आधार पर ही अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है, तो इस प्रकार से हम लॉक को उदारवाद का जनक अथवा उदारवाद की आत्मा कहते हैं।